तो जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है पूरी कटरा की मार्केट, यहाँ पे जो खाने खाना आप खा सकते हो। बाकी ये जो मेरे भाई लोग हैं जो भोपाल के साथ में चल रहे हैं, और इन्हीं के साथ में एक टेबल जो जाली रख रहा हूँ आगे के लिए। बाकी वो सस्ता मार्केट है, जैसे अपन भोपाल वगैरह में लेते हो उतना सस्ता मार्केट है खाने पीने के लिए, यहाँ पे भी आप खा सकते हो। बाकी पूरी डिटेल आपको ब्लॉग में धीरे धीरे करके मिली जाएगी, रूम वगैरह कहाँ पे लिया मैंने, कितना क्या खर्चा आया, सब आपको वैसे धीरे धीरे बताता ही रहूंगा। यहाँ आगे सिम वगैरह लेनी है नहीं लेनी है वो भी आपको बताऊंगा, पोस्टपेड प्रीपेड क्या रहता सब कुछ। बाकी प्रीपेड का सिम ऐसा है कि भाई आप 5-6 दिन जब भी यहाँ पे रुकोगे ना उतने टाइम तक यहाँ पे चलेगी, और पोस्टपेड का ऐसा है जब भी आपके यहाँ पे जाओगे वहाँ भी आपकी रन करेगी रहेंगी। तो पोस्टपेड ज़्यादा महंगी नहीं, 400 रुपये की आ जाती है, आप जैसे मार्केट में आओगे वैसे पता पड़ जाएगा कहाँ से लेना कहाँ से नहीं लेना। सिम का भी बहुत सही है, होटल भी बहुत सस्ती ज़्यादा महंगी नहीं है, 800 रुपये में होटल मिल गई हम लोगों को, तो ज़्यादा महंगी भी नहीं है, हम 6-7 लोग रुके हुए हैं एक होटल में। बाकी आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे, आप जब भी घर से यहाँ घर जाओ तो आके आप ले सकते हो स्वेटर वगैरह। यहाँ पे हल्की सी सर्दी बढ़ जाती है, नाइट में हल्की सी सर्दी बढ़ने लग जाती है, और अभी तक हमने चढ़ाई की है, अब कल चढ़ाई करने वाले हैं, पता चलेगा कल से क्या हालत होने वाली है। अगर ट्रेन के टिकट वगैरह बस के टिकट वगैरह सब आपको इधर उधर सबसे मिल जाएंगे, जब भी आप मार्केट में आओगे आपको पता पड़ जाएगा। खाना भी बहुत सस्ता है, 80 रुपये 60 रुपये प्लेट आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप मालूम करोगे वहीं से आपको मिल जाएगा। तो एक बार पहले मार्केट घूमो आपको सारा धीरे धीरे करके मिलने लगेगा। आप देखो ये ऊपर जो लाइट चल रही है ना, कल वहीं चलना हम लोगों को पूरा। जय माता जी दोस्तों, क्या हाल है आपके? तो सुबह हो चुकी है, आप देख रहे हो पूरे पहाड़ों से माता जी का दरबार पूरा भरा चुका है, और हम अभी रूम चेकआउट करने वाले हैं। रूम लिया हुआ था हम लोगों ने पार्टनरशिप में, तो वो रूम अभी खाली करके निकाल रहे हैं होटल से। होटल से भी हम लोग निकल चुके हैं यात्रा के लिए, सभी पैदल यात्रा करने वाले हैं, और ये पीछे आ रहे हैं कुछ लोग, और आगे भी हैं हमारे जो चल रहे हैं सब साथ में। ऊपर तक अपन को चढ़ना है पैदल, और बहुत ज़्यादा चढ़ाई होने वाली है अभी, ताकि मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि कुछ लोग हैं अपने साथ में जो बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं कुछ दिनों में, तो वो लोग के साथ में अपन चढ़ते चढ़ते जाएंगे, तो वैसे ही पता चल जाएगा धीरे धीरे, चढ़ ही जाएंगे मस्ती करते करते, भाई बंधु के तो अपने एज के तो वैसे भी चढ़ ही जाएंगे। बाकी अभी यात्रा अपने को पर्ची कटवानी पड़ेगी, तो वो देखना पड़ेगा कितने रुपये की होगी, फ्री की होगी, कैसी होगी, तो करते हैं कुछ आपको करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी यात्रा में, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही सब बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो शायद ही कोई मतलब बतलाएगा। यहाँ से करवाना पड़ेगा टिकट अपन लोगों को, जो जिसका आएगा सबके लिए टिकट लगेगा ही लगेगा। बाकी आप देखो व्यू, बादलों से पूरे पहाड़े घिर चुके हैं, यहाँ पे सबको टिकट मिल ही जाएगा, तो घूम के जाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी फिर टिकट तो मिल ही जाएगा भाई आपको, अगर आ रहे हो तो थोड़ी मेहनत तो बनती है। तो यात्रा टिकट हमने कटवा चुके हैं, कोई इस पे पैसे वगैरह नहीं है आपके, बस नाम और कहाँ से आप आए हो वहाँ का एड्रेस वगैरह पूछेंगे, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से जो भी बिलोंग करते हो वहाँ का पूछेंगे, बाकी इससे कुछ जानकारी नहीं है। पानी पीने का यहीं पे धर्मशाला, आप जितना चाहो पूरी धर्मशाला आपको मिल जाएगी यहीं पे, बंदे आपके हाथ पकड़ पकड़ के लेके जाएंगे धर्मशाला के लिए। बाकी बस वगैरह भी यहाँ पे है, यहाँ पे बस में भी आप ट्रेवल कर सकते हो। बाकी अपन को ऊपर तक चढ़ना है, जो आपको पहाड़ दिख रही दिख भी नहीं रही होगी, क्योंकि पूरा फोगी फोगी वो हो चुका पूरा इलाका, और यहाँ पे हल्की सी ठंड है ना, मॉर्निंग में बढ़ी जाती है भाई, हल्की सी ठंड बढ़ी जाती है, और हम लोग कम से कम 20 से 30 लोग होंगे, छोटे बच्चे सबको मिलाकर जिनके साथ में रुका हुआ हूँ। तो यात्रा भी चाय पीने के लिए रुके, उसके बाद यात्रा करते हैं अपन कंटिन्यू, आपको धीरे धीरे आपको जानकारी देते रहूँगा क्या प्रॉब्लम आई कहाँ पे क्या लगने वाला है सब बता दूंगा। तो ये स्टार्ट हो गया भवन का रास्ता, और गर्मी आप देख रहे हो भाई, पसीने पसीने में हालत डिम हो गई है अभी तो, आधी घंटे नहीं हमें चढ़ते हुए अभी दद्दा का, यहाँ से हमें जाना है नीचे भवन के लिए, सीढ़ियों से उतरना पड़ेगा। अभी से ऐसा लग रहा है कि थक गए हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, और सुबह सुबह ठंड भी लग रही है, तो मौसम भी चेंज हो रहा बार बार, बस ये है कि तबीयत बेकार ना हो जाए हम लोगों की। ये है पूरी पहाड़ जिस पे हमें चढ़ना है ऊपर तक, बाकी आपको ये दुकान वगैरह शॉप मिल ही जाएगी धीरे धीरे, आप जैसे आओगे तो खाने पीने नाश्ते की रहने का सबका मिल जाएगा। यहाँ पे चेकिंग चलेगी अब? अच्छा
तो पहली चेकिंग आपकी यहाँ होने वाली सामान वगैरह की, जो भी आप बहुत इधौला का सामान लाए होंगे यहाँ पे चेकिंग होगी। इसके बाद आगे का यात्रा फिर से कंटिन्यू होगी। किसकी है तो कमेंट में यार जय माता दी जरूर लिख के जाए। आप वीडियो देखो जय माता दी और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कुछ दिन हमारे वैष्णो देवी में ही बीतने वाले और वैसे ही आपको बताते रहेंगे कहाँ पे क्या होने वाला है, कहाँ पे चेक पॉइंट होंगे। जो मेन यात्रा यहाँ से शुरू हो जाती है चेकिंग के बाद से यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मेरी आपको भीड़ भीड़ मिलने वाली क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और स्कूल की छुट्टियाँ भी चल रही हैं तो भीड़ तो आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। बाकी आप आ रहे हो माता जी के दर्शन करने तो आपको भीड़ लगनी नहीं वाली है क्योंकि अपन को दर्शन ही करके जाने हैं। चलो वैसे आपको जगह जगह शॉप मिल जाएगी। वैसे फोटो वगैरह आप निकलाना चाहो ऊपर दर्शन ना हो पाए आप लोगों को तो ऐसी जगहों पे आके आप फोटो वगैरह निकला सकते हो। बाकी यात्रा में कम से कम 5 से 6 घंटे लगने वाले हैं क्योंकि सामान भी हम लोगों के पास में और कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं तो उनका ध्यान देते हुए थोड़ा सा करके टाइम लग ही जाएगा क्योंकि भीड़ तो आप देख ही रहो। ऊपर की चढ़ाई के लिए घोड़े वगैरह मिल जाएंगे पालके वगैरह और बच्चों के लिए ये पालके वगैरह सब आपको रेट यहाँ पे खुद को आके पता पड़ेगा कहाँ पे रेट क्या चल रहा है यहाँ पर। और लंगर के लिए इधर जाना पड़ेगा आगे और ये है पूरा इधर का जहाँ पे आपको सवारी करनी है तो यहाँ से आप रेट मालूम करके आप सवारी के लिए आनंद ले सकते हो। यहाँ पे निःशुल्क खाना आपको मिल जाएगा खाने के लिए जो यहाँ का प्रसाद होता है तो आप यहाँ पे निःशुल्क खा सकते हो खाना। पानी वानी यहाँ से पी सकते हो, यहाँ से बैठ के आराम से खाना खा सकते हो। और बाल गंगा भी यहीं से दिख जाएगी आप जैसे इधर से आओगे तो। यहाँ पे खाने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा पहले तो, जिसके बाद आपको खाना मिलेगा। अभी गेट भी नहीं ओपन हुआ है यहाँ का, सारे श्रद्धालु लग चुके हैं जो यहाँ का प्रसाद किया जाता है उसके लिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले लाइन में लगना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी मॉर्निंग है तो टाइम थोड़ा टाइम निकलता जाएगा तो भीड़ बढ़ती जाएगी। हाँ सारे लोग इधर ही बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठ जाएंगे इधर करके। अपने यहाँ पे जैसे पंगत होती है ना शादियों में इस टाइप के, ये पहले प्रसाद आपको मिलेगा ग्रहण करने का, हलवा खाओ तब तक और भी कुछ मिलेगा। आराम से बैठने की फुल जगह है यहाँ पे, यहाँ पे बैठना आप बैठ सकते हो। मैं तो सोलो ट्रिप कर रहा हूँ इनलिए लोग मिल चुके हैं मुझे। लंगर करके अभी हम लोग निकल चुके हैं बाहर, बहुत सही खाना था यहाँ पे। आपको प्याज लहसुन के बिना ही सब्जी मिलेगी और यहाँ पे फेंकना बिल्कुल पाप के सामान माना जाता है तो खाना जितना लगे उतना लो, ज़्यादा वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं क्योंकि आप जितना वेस्ट करोगे शायद आगे वाला बंदा खा सके। बालगंगा है ऊपर से ऐसे बोले अच्छा पार टाइप का बना रखा है, नहाने के लिए भी सुविधा बहुत सही है। धीरे धीरे चढ़ाई बढ़ती जा रही, थकान सी होती जा रही है वैसे तो। बाकी यहाँ पे आपको सवारी के लिए आपको खच्चर वगैरह मिल जाएंगे जिसमें पालकी वगैरह भी आप ले सकते हो या चढ़ते नहीं बनती हो तो। और लंगर का आनंद भी ले सकते हो, वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। बाकी अभी तो स्टार्ट ही हुए हम लोग, ऊपर तक जाना है। आधे आधे लोग करके चल रहे हैं धीरे धीरे, आगे पीछे होके। पूरी जो यात्रा है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी क्योंकि कुछ अपने लोग भी मिल चुके हैं और कुछ बना भी लेंगे अपन लोग। ये है नहाने का यहाँ पे, अब थोड़ा सा जैसे आगे आओगे तो नहाने का आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप नहा सकते हो।
ये पानी आ रहा ऊपर से, बहुत ठंडा पानी है। इनको नहीं बोले कोई, कोई नहीं बोलेगा। आप नहाओ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होती है, नहा के जाओ। भी बिना नहाए दर्शन करना पाप ही होता है मेरे ख्याल से, तो वो पाप आप ना करें तो अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पे नहा रहे हैं लड़के लोग, पत्थर बहुत ज़्यादा नुकीले है भाई, संभल के ही पैर रखें। अंदर जाने गए ये। बारिश ख़त्म होने के बाद धूप निकल आई है और हम लोग अभी सीढ़ियों से जा रहे हैं। सीढ़ियों से भी आप जा सकते हो, बाकी स्लिप है, स्लिप से भी आप जा सकते हो, जैसे आपको जाना हो वैसे जा सकते हो। बाकी ऊपर का व्यू कटरा का ऐसा आता है भाई, एक एक घर गिन सकते हो आप। स्टेशन भी आपको लास्ट में दिख रही होगी ट्रेन, पता नहीं आपको दिख रही है नहीं दिख रही है, आँखों से तो पूरी दिख रही है। जो मंदिर है जो बनते बनते रह गया, बाकी व्यू देखो ऐसा लग रहा भाई कि समुद्र में बैठे हो, लहर मार रहा हो पानी। यहाँ पे आपकी होगी सेकंड चेकिंग नीचे से यहाँ पे, और आप व्यू देखो यहाँ पे कितना शानदार व्यू आ रहा है भाई, पूरा कटरा शहर पूरा दिख रहा है यार, पूरा एक नंबर व्यू है। सेकंड चेकिंग यहाँ पे होने के बाद फिर आप आगे की यात्रा कंटिन्यू कर सकते हो। हम लोगों को लगभग 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, अभी आधे पहुँचे नहीं, पहुँचे आधा, हम लोग पहुँच चुके हैं, 3-4 घंटे लगभग हो चुके हम लोगों को। हम लोग बहुत जल्दी निकले थे रूम से, ताकि आप गर्मी देख रहे हो कितनी गर्मी हो रही है, ताकि मौसम बोल नहीं सकता मैं कि सही होगा नहीं होना होगा आने के लिए। आप आ भी सकते हो नहीं भी आ सकते हो, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते मौसम का कब चेंज हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, अब धूप निकल रही है, फिर से बादल छा रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऊँचाई में। पूरा आपको मोबाइल में पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, ये पूरा इस पूरा ये फॉगी फॉग हो रखा है। सीढ़ियाँ भी हैं कहीं कहीं पे, आप सीढ़ियों से भी आ सकते हो, ताकि आप ज़्यादातर स्लिप रोड से आओगे तो सही रहेगा, क्योंकि बहुत ही ऊँची चढ़ाई आप थक जाओगे। तो यहाँ पे लाइन लगानी पड़ेगी पहले आपको चेकिंग के लिए, जो आपकी यात्रा पर्ची कटी है उसको दिखा के। बाकी मैं आपको बीच बीच में बताता ही रहूँगा कहाँ पे रुकना है, क्या करना है, कहाँ पे कुछ होगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो जय माता की कमेंट सेक्शन पढ़ दो यार, जय माता दी, जय माता। तो भगवती भवन तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अपने गर्भगृह जून का है आपको मिल जाएगा, यहाँ से टिकट करवा सकते हैं यहाँ पे यात्रा टिकट। और व्यू आप देखो, व्यू पूरा शानदार हो रखा है मेरे पीछे का, जो व्यू आप देख रहे हो भाई, यहाँ से तो नज़ारे ही हैं, पर मज़े बहुत आते हैं भाई चढ़ाई में। अभी तो और भी बाकी है, यहाँ से हमें टिकट लेनी पड़ेगी गर्भ जून की, वहाँ के बाद हम निकलेंगे यात्रा के लिए। आधे लोग हमारे अपनी बाकी हैं आना, आधे लोग पहुँच चुके हैं। बाकी व्यू आप देख रहे हो, ठंड के मौसम में यहाँ पे बर्फ जम जाती है भाई, आपको टावर दिख भी रहे होंगे, वहाँ पे जाना हम लोगों को। थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, फिर धूप निकली, वापस से ऐसा मौसम हो गया, हल्की सी ठंडी लगने लगी है। जब भी आप लोग आओ ना तो स्वेटर जरूर अपने साथ में लेके आओ, तो बिना स्वेटर के आप आओगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता है, बारिश आ जाती है, बर्फ़ गिर जाती है, ठंड बढ़ जाती है, कुछ भी होता रहता है। अंदर होता जा रहा है, अब देखोगे ना भाई डबल आसमान दिखेगा आपको, ये देखो एक ऊपर एक नीचे और हम इनके बीच में। अब देखोगे ना पहाड़ों से धुआं उठ रहा है, ये देखो मतलब बादल छाने टकराते हुए ऊपर जा रहे हैं, 7 बज रहे हैं और सूरज कितना करा दिख रहा, देखो व्यू के लिए तो बहुत शानदार जगह है भाई, जन्नत बोल लो आप इसे, जन्नत सुकून जो चाहो वो बोल लो, सब चीज यहीं पे मिल जाएगी आपको भाई। मेहनत बहुत चल रही है आप लोगों के लिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें यार, क्योंकि ये वीडियो है ना बहुत लंबी होने वाली है। सुबह के हम निकले हैं 7 या 8 बजे लगभग हमारे रूम से, पर अभी तक हम पहुंचे भी नहीं है, 7 बज चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक वगैरह शेयर सब कर दो यार, आपके भाई के चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है। ये देखो व्यू कितना शानदार हो रखा है,
शाम के 8 बज रहे हैं, सूरज और माता जी की आरती स्टार्ट होने वाली है। अब सूरज देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये पहाड़ है, अभी भी हमें बहुत ही ज़्यादा बाकी चढ़ना, क्योंकि अभी बहुत ही नाके बराबर चढ़े हैं, जो मेन चढ़ाई है वहाँ पे हमें करना है। अभी तो व्यू बहुत शानदार है, यहाँ पे हर एक पहाड़ से देखोगे तो व्यू एक नंबर आएगा बाबा। चढ़ने में थकान तो बहुत होने वाली है, मैं नंगे पैर पूरा कर रहा हूँ, तो मुझे पता पड़ गया भाई बहुत ही ज़्यादा। पर हाँ मज़े भी बहुत आते हैं, अब साथ में हो तो ऐसे दोस्त लोग साथ में तो बहुत मज़े भी आते हैं, सफ़र का आनंद मिलता ही आता है। अभी तो और भी ऊपर चढ़ना है, जो आप देख रहे हो ना वीडियो में, देख पा रहे हो, जूम करता हूँ देखो, आप देख रहे हो जहाँ तक जाना है अभी तो हमें, और 8 बज चुके हैं और ये लाइव आरती चल रही है यहाँ पे माता जी की, फिर व्यू वगैरह सब दिखा रहे हैं, लाइव आरती चल रही है। बारिश नहीं होना तो एक नंबर जगह है, यहाँ पे बारिश हो ही जाती फिर भी, क्योंकि तो बारिश का सीजन है भाई, बारिश तो होगी। पहाड़ आप देखो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ठंड के टाइम पे आपको पता ही है पूरी बर्फ जम जाती है। भाई थक चुके हैं, 12 घंटे लगभग हो चुके हैं हम लोगों को रूम से निकले हुए, जब से चढ़ रहे हैं बस चढ़ते जा रहे हैं। मंजिल का वेट है, बस जिस चीज़ का वेट है बस उसके लिए मेहनत चल रही है, वो भी मिल ही जाएगी हमें, दर्शन करने दर्शन भी हो ही जाएंगे। ये देखो।